जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैलियों को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, यदि आपके राज्य में भी सेना भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए समय तक सेना भर्ती नहीं कराई जाती है तो आपके राज्य में होने वाली सेना भर्ती रैली का जो कोटा है वह किसी दूसरे राज्य को दे दिया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है उन तमाम युवाओं के लिए जो काफी समय से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उनकी भर्तियों पर कोरोना के चलते अभी तक रोक लगी हुई है। जिन जिन राज्यों में राज्य सरकारों ने अभी तक भी सेना भर्ती कराने की अनुमति नहीं दी है, ऐसे में यदि राज्य सरकारें समय रहते सेना भर्ती कराने की अनुमति नहीं देती है तो इन राज्यों की सेना भर्ती दूसरे राज्यों को दे दी जाएंगी। और यदि ऐसा कुछ भी होता है तो यह युवाओं के साथ बड़ा अन्याय होगा, युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। इसलिए सेना भर्ती की तैयारी करने वाले तमाम युवाओं को समय रहते अपने हक के लिए आगे आना होगा, नहीं तो सरकारों की उदासीनता के चलते आपका सेना में जाने का सपना फिर सपना बनकर ही रह जाएगा। इसके अलावा युवाओं के हित को देखते हुए जनप्रतिनिधि भी आगे आए और सरकार को सेना भर्ती जल्द से जल्द कराने की अनुमति देने के लिए प्रेशराइज करें, क्योंकि ऐसा एक मामला राजस्थान से सामने आ रहा है जिसमें राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल राजस्थान में भी कोरोना के चलते सेना भर्ती नहीं कराए जाने को लेकर राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द सेना भर्ती कराने की अनुमति की मांग की है। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने कई बार सेना भर्ती मुख्यालय से संपर्क किया था और सेना भर्ती मुख्यालय की ओर से भर्ती के आयोजन कराए जाने को लेकर स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन कोरोना के कारण सेना भर्ती स्थगित कर दी गई। सांसद का कहना है कि हाल ही में उन्हें अब ऐसी जानकारी मिली है कि पूरे देश में अनलॉक के बाद पंजाब उत्तराखंड में सेना भर्ती करा दी गई है। वहीं देश के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, केरल सहित कई राज्यों में अभी सेना भर्ती कराए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन राजस्थान में अभी तक भी सेना भर्ती रैली के आयोजन को लेकर अनुमति नहीं मिल पाई है, इसलिए राजस्थान में भी सेना भर्ती शुरू कराने को लेकर जल्द से जल्द राज्य सरकार अनुमति दे। इसके अलावा सांसद ने कहा कि मेरा भारतीय सेना के साथ में पारिवारिक व भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उनके पिता महाराजा सवाई भवानी सिंह का संपूर्ण जीवन सेना को समर्पित था। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि से हजारों की संख्या में नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए हर साल प्रयासरत रहते हैं। भारतीय सेना के द्वारा हर राज्य को एक निश्चित कोटा दिया जाता है और अगर वह राज्य सेना भर्ती रैली निर्धारित समय तक आयोजित नहीं करवा पाता है तो वह कोटा फिर दूसरे राज्य को दे दिया जाता है, यानी यह वैकेंसी फिर किसी अन्य राज्य को दे दी जाएगी। जो भर्ती राजस्थान में होने वाली थी, जिन वैकेंसी पर राजस्थान में भर्ती होने वाली थी, वह भर्ती फिर किसी दूसरे राज्य में कराई जाएगी अगर समय रहते राजस्थान में भर्ती नहीं कराई जाती है। और साथियों, यह जो नियम है यह सबके लिए लागू होता है। यदि कोई भी राज्य निर्धारित समय तक अपने राज्य में सेना भर्ती नहीं कराता है तो फिर उस राज्य की जो वैकेंसी होती है वहां का जो कोटा होता है वह फिर किसी अन्य राज्य को चला जाता है, यानी जहां पर सेना भर्ती हो रही है, जहां सेना भर्ती का आयोजन कराया जा रहा है, फिर उस राज्य की भर्ती उन युवाओं के लिए चली जाती है। ऐसे में इन राज्यों के युवाओं के लिए यह बड़ा धोखा होगा, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। सांसद दिया कुमारी ने यह भी कहा कि इस वर्ष राजस्थान को जो कोटा दिया गया है उसके अनुसार फरवरी 2021 तक सेना भर्ती रैली कराया जाना जरूरी है। अगर फरवरी 2021 तक राजस्थान में सेना भर्ती शुरू नहीं कराई जाती है तो फिर राजस्थान का कोटा किसी अन्य राज्य को दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय करते हुए जल्द से जल्द राज्य सरकारें सेना भर्ती रैली कराने की
अनुमति प्रदान करे, जिससे न सिर्फ युवाओं का सेना में जाने का सपना पूरा होगा बल्कि देश की सीमाओं को भी नए प्रहरी मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि यहां से हर साल लगभग 2.25 लाख नौजवान हर साल सेना भर्ती रैली में भाग लेते हैं और करीब 5,000 युवाओं का हर बार सेना में शामिल होने का सपना पूरा होता है। तो साथियों, इससे पहले कि आपके साथ कुछ भी गलत हो, आप सभी एक साथ मिलकर राज्य सरकार, आपके सांसद, विधायक व कलेक्टर को पत्र लिखकर आपके इस समस्या के बारे में अवगत कराएं। साथ ही राज्य सरकार को भी पत्र लिखकर जल्द से जल्द सेना भर्ती शुरू कराने की अनुमति दिए जाने की मांग करें, क्योंकि अगर समय रहते आपकी भर्ती शुरू नहीं हो पाती है तो साथियों आपके लिए एक बड़ा धोखा हो सकता है, आपके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। साथियों, इस खबर की अपडेट को लेकर हम लगातार सरकार के सूत्रों और सेना भर्ती के अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। जैसे ही सेना भर्ती रैली को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर हमें जानकारी मिलती है तो हम आपको उससे अवगत जरूर कराएंगे। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।